कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो कोटद्वार से गेटवे खोला गया है, उससे सबसे बड़ी सुविधा जो पर्यटकों को मिलेगी वो ये है कि रामनगर करीब 300 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है दिल्ली और एनसीआर से, जबकि यहाँ पे केवल 250 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं यहाँ पे रामी सेरा में, जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पहले से पर्यटन का कारोबार कर रहे हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हट्स बनी हुई हैं, बेहतरीन खूबसूरत हट्स बनी हुई हैं। 4 साल से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे टेंटेड एकोमोडेशन भी इन्होंने बनाया हुआ है, और स्थानीय जो ग्रामीण बच्चे हैं यहाँ पे वो ही यहाँ पे खाने की व्यवस्था करते हैं, और पर्यटकों को घुमाने के लिए जिप्सी की व्यवस्था भी इन्होंने यहाँ पे की हुई है। यहाँ पर आना चाहे तो क्या करें? यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, मैंने जो जंगल कैंप टाइप की सुविधाएं यहाँ पर पूरी हैं। हमारा खाने से लेकर जिप्सी की सवारी वगैरह सब पूरा हमारा इंतजाम है। लकड़ी में यहाँ पे कोदे की रोटी बन रही है, और एक हमारे भाई हैं, पप्पू आपका भाई, क्या नाम है? पप्पू भाई, पप्पू पप्पू भाई हैं, और एक हमारे छोटे भाई हैं, दूसरा मनीष भाई। मनीष भाई। ये यहाँ पे जो है कोदे की रोटी बना रहे हैं, और इसके साथ थोड़ा सा घी या नमक, कुछ चटनी कुछ मिल जाए तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। खास तौर पे पहाड़ी व्यंजन है, अगर आप इस तरह की जगहों पर आते हो तो आपको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अगर आप दिन भर कॉर्बेट के सैर करके आए हो और उसके बाद इस तरह का खाना मिल जाए तो आपको फुल एनर्जी मिल सकती है। जब भी आप इधर कॉर्बेट की तरफ घूमने का प्रोग्राम बनाएं तो आप यहां से आ सकते हैं कोटद्वार से, वहां पर रिसेप्शन है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। और रामी सेरा यहां पे आप बेस कैंप बना के वतनवासा जा सकते हैं। वतनवासा से जब आप अंदर जाएंगे तो आपको हल्दू पड़ाव बंगला मिलेगा, काफ़ी पुराना बंगला है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे आपको दिखाई देगी। हाथी आप देख सकते हैं, बाघ वहाँ पे देख सकते हैं, और तमाम किस्म के हिरन, चीतल, सांभर आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो जब भी आप गढ़वाल घूमने का प्रोग्राम बनाएं और वाइल्ड लाइफ देखना चाहें तो इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी के कोटद्वार से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।